हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसवीएम एजुकेशन सेंटर तुलसीनगर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शेक्सपियर का एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो काफी फेमस ड्रामा है और कई अलग अलग बोर्ड्स में सिलेबस के तौर पे यूज भी होता है। यूपी बोर्ड में ये 12th स्टैंडर्ड में बताया जाता है। ये एक फेमस रोमांटिक ड्रामा है। इसके पहले कि हम इस ड्रामा को स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अब लेसन स्टार्ट करने से पहले, चूंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस एक बड़ा ड्रामा है तो हम लोगों ने इसको कुछ सीन्स में डिवाइड किया है। इसके कुछ और वीडियोस भी मुझे डालने पड़ेंगे, एक ही वीडियोस में इसकी समरी को डाल पाना पूरा पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग रोमांटिक कॉमेडी समझ लेते हैं कि रोमांटिक कॉमेडी कहते किसे हैं। शेक्सपियर ने जिस जमाने में ड्रामास लिखे वो दौर ट्रेजेडी ड्रामास का हुआ करता था। ट्रेजेडी ड्रामास वो ड्रामास होते थे जिनमें अक्सर अंत जो होता था वो दुखद होता था। रोमांटिक ड्रामा का मतलब या रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा का मतलब होता है एक ऐसा ड्रामा जिसमें ब्लड शेड, मर्डर या कोई भी एंडिंग दुखी वाली ना हो, जिसमें कोई दुखद दृश्य ना हो और सब कुछ लास्ट में हैप्पी एंडिंग के साथ बीत जाए, जैसा यूजुअल हमारी बॉलीवुड मूवीज में आजकल होता है। अब बात करते हैं अगर मर्चेंट ऑफ वेनिस के कैरेक्टर्स को, तो इसके कैरेक्टर्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला द कैरेक्टर्स रिलेटेड टू वेनिस, कैरेक्टर रिलेटेड टू बेलमोंड। वेनिस में जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हमारी जो ड्रामा है उसका मेन कैरेक्टर है एंटोनियो, जो ड्रामा का नायक और हीरो भी कहा जाता है। उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं जो उसके फेवर में हैं, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो वेनिस के ही हैं लेकिन वो कहानी का जो विलन है शाइलॉक उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले देख करके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कहानी का हीरो आता है एंटोनियो। एंटोनियो के तीन सेवक हैं जो उसके दोस्त भी हैं, सेलानियो, सेलेरियो और सेलानियो। इसके बाद एंटोनियो का सबसे बेस्ट फ्रेंड है बेसेनियो, जो आगे जाके कहानी में एक मेन कैरेक्टर के रूप में सामने आता है। बेसेनियो का एक और मित्र है जिसका नाम है ग्रेशियानो, और इसके अलावा एंटोनियो का एक सेवक है जो कभी शाइलॉक का पुराना नौकर भी रह चुका है, जिसका नाम है लॉरेंजो। ये कुछ एंटोनियो से रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं। अब बात करते हैं शाइलॉक के और उसके फ्रेंड्स और उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स की। तो शाइलॉक जो है वो एक ज्यूज है, एक यहूदी है जो सूदखोरी का काम करता है, लोगों को कर्ज देने का काम है उसका। वो वेनिस का काफी फेमस यूजर है। शाइलॉक एक नेगेटिव कैरेक्टर है और आगे जाके एक मर्सीलेस ज्यूज के रूप में हमारे सामने आता है। शाइलॉक की एक बेटी है जिसका नाम जेसिका है। शाइलॉक के दो नौकर हैं, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि शाइलॉक का एक नौकर था लॉरेंजो, जो बाद में जाके एंटोनियो के लिए काम करने लगता है, जो एक ईसाई है। शाइलॉक के दो और नौकर हैं जिसमें एक नौकर का नाम है लॉसलॉट गब्बो और ओल्ड गब्बो जो उसका बाप है। ये दोनों ही लोग यहूदी हैं। और इसके अलावा शाइलॉक का एक दोस्त है जिसका नाम है ट्यूबन। शाइलॉक की बेटी जेसिका और लॉरेंजो के बीच में कुछ रिलेशन, कुछ संबंध है जो आगे जाके हम लोग क्लियर करेंगे। अब आ जाते हैं उन किरदारों पर जो बेलमोंड में है। तो देखिए बेलमोंड में प्रसिद्ध राजकुमारी है पोचिया, पोचिया की सहेली है जिनका नाम है नेरिसा। और इसके अलावा नेरिसा और पोचिया के अलावा पोचिया के लिए काम करने वाले दो नौकर हैं बल्थासर और स्टीफेनो। उसके बाद पोचिया को वू करने के लिए जो प्रिंस आए हैं उनमें है प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ एरागोन, और इसके अलावा ड्यूक का एक कैरेक्टर और सामने आता है जो एक जज के रूप में सामने आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कहानी का समरी। ओपनिंग सीन हम लोगों के ड्रामा का शुरू होता है जिसमें जो हमारा कैरेक्टर है एंटोनियो बहुत ही निराश है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। उसको देखकर उसके जो साथी हैं उसके दुखी होने के लिए अपने अपने परसेप्शंस लगाते हैं, अपने अपने अंदाजे लगाते हैं। किसी एक का कहना है कि वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसके पास प्यार नहीं है, कोई एक कहता है कि वो शायद इसलिए दुखी है क्योंकि उसके पास परिवार नहीं है, कोई कहता है कि उसका जो बिजनेस है वो काफी अनसर्टेनिटीज से भरा हुआ, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है। एंटोनियो उन सभी की बातों को ये कहते हुए समाप्त कर देता है कि उसका दुख ना प्यार की वजह से, ना परिवार की वजह से, ना व्यापार की वजह से, वो बस दुखी है। यहाँ पर एंटोनियो एक फिलोसॉफिकल लाइन देता है, वो कहता है कि हम सभी इस दुनिया में भेजे गए और हम सभी के कुछ सर्टन कैरेक्टर, कुछ सर्टन रोल हैं, और शायद इस दुनिया में मुझे जो भेजा गया है वो मेरा रोल दुखी वाला है और मैं उसी रोल को बेहतर ढंग से निभा रहा हूँ। यही सब बातें चली रही थी कि तभी एंटोनियो का बहुत पक्का दोस्त है बेसेनियो, जैसा कि मैंने पहले बताया, बेसेनियो आ जाता है जो एंटोनियो से किसी खास तरीके की मदद चाहता है। बेसेनियो एक खर्चीला नौजवान है, वो कोई और काम नहीं करता है,
वो अपने सारे खर्चों के लिए पूरी तरह से एंटोनियो पर आधारित है। एंटोनियो बैसनियो को इस दुनिया में सर्वाधिक मानता है और बैसनियो भी एंटोनियो को बहुत ज्यादा मानता है। बैसनियो ग्रेशियानो के साथ आया हुआ है। जब बैसनियो ग्रेशियानो आ जाते हैं तो एंटोनियो के जो तीनों सेवक हैं सैलारिनो सैलारियो सैलानियो ये वहां से चले जाते हैं और एंटोनियो और बैसनियो में यहाँ पे बातचीत होती है, जहां पर बैसनियो एंटोनियो की तारीफ के काफी पुल बांधता है। इस पर एंटोनियो से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरीके की मदद चाहिए तो तुम्हें इसके लिए मेरी किसी भी तरीके की विशेषता की जरूरत नहीं है, तुम जो भी मुझसे चाहो मांग सकते हो। ये सुनने के बाद बैसनियो उससे कहता है कि वो अपनी हर एक जरूरत के लिए एंटोनियो पर आधारित है और वो उसे बताता है कि जैसा कि वो कभी शायद बता चुका था एंटोनियो को कि वो एक बार बेलमोंट की यात्रा बैसनियो पहले भी कर चुका है व्यापार के सिलसिले में और वो पोशिया नाम की एक राजकुमारी को देख भी चुका है। उसी राजकुमारी का यहाँ पे जिक्र है, उसका स्वयंवर रचा जा रहा है, उसके स्वयंवर की तैयारियां हो रही जिसमें बैसनियो भी हिस्सा लेना चाहता है पार्टिसिपेंट की तरह और अगर अपनी किस्मत आजमाना चाहता है पोशिया से विवाह करने के लिए। जब एंटोनियो सुनता है तो एंटोनियो से पूछता है कि तुम बस इतना बताओ कि तुम्हें कितने धन की आवश्यकता है। इस पर बैसनियो से बताता है कि उसे 3,000 ducats चाहिए वहां तक की यात्रा के लिए और वहां एक राजा के तौर पर एक राजकुमार के तौर पर अपने आप को पेश करने के लिए। इस पर एंटोनियो उसे कहता है कि ये 3,000 ducats कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन इसमें चूंकि एंटोनियो बहुत दुखी था और बहुत निराश महसूस कर रहा था इसलिए कहता है कि मैं अभी तुम्हें अपने पास से पैसे नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ तुम जाओ और मेरे नाम पर किसी से भी पूरे बने शहर में तुम पैसे उधार ले सकते हो, वो तुम्हें मिल जाएगा और इसी बहाने तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे दोस्त का क्रेडिट बने शहर में कितना ज्यादा है। ये सुनकर बैसनियो वहां से जाता है। अगला जो दृश्य है उसमें बैसनियो जो है वो वेनिस का, अभी मैंने आपको बताया था सबसे प्रसिद्ध सूद खोज है वेनिस का शाइलॉक, शाइलॉक जो कि एक यहूदी है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द रिलीजन एक भेद धर्म का है ईसाई और यहूदी का, इसलिए शाइलॉक और एंटोनियो एक दूसरे को काफी नापसंद करते हैं। बैसनियो भी ये तथ्य जानता है। और दूसरा शाइलॉक जो है वो यहूदी है, बहुत कंजूस है, अधिक से अधिक ब्याज वसूलता। उसका मानना है कि अमीर होने के दो ही तरीके हैं, एक ज्यादा से ज्यादा ब्याज वसूलना और एक बहुत ज्यादा कंजूसी करना। उसकी कंजूसी से उसके काम करने वाले कर्मचारी भी परेशान है। बाकी वो काफी यंग दिखता है, लाल लाल बाल है जो उसके माथे पे पकड़े जाते हैं, काफी स्मार्ट दिखता है और काफी ऊर्जावान व्यक्ति है। बैसनियो जब उससे धन मांगता है तो शाइलॉक के पास एक मौका था एंटोनियो को नीचा दिखाने का, जैसा कि कई मौकों पर एंटोनियो उसे नीचा दिखा चुका था उसकी सूदखोरी की वजह से। वो बैसनियो से बहाना बनाता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है और कुछ तैयारी करने के लिए मुझे वक्त चाहिए और मैं कैसे मान लूं कि एंटोनियो जो वेनिस शहर के इतने बड़े अमीर व्यापारी हैं वो मुझसे धन उधार मांग रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा कि क्यों ना हम लोग एक साथ बैठे बातें करें। और बहुत ही मीठी भाषा के साथ एक चालाकी चलता है एंटोनियो को अपने पास बुलाने के लिए। बैसनियो उसकी इस बात को मान लेता है और एंटोनियो भी इस बात को मान लेता है। अगले दिन बैसनियो एंटोनियो के साथ जाता है उस पैसे को लेने के लिए। इस बार शाइलॉक उससे हंसते हुए कहता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मेरे लिए पास आए और आपने मुझसे धन मांगा, मैं तुरंत आपको धन दूंगा जबकि आप तो इतने महान है कि आप ब्याज भी नहीं लेते। उसे तमाम तरीके के ताने कसते हुए उसे धन देने की बात करता है और उसका तुरंत ही कहता है कि धन तो मैं आपको दे रहा हूं लेकिन छोटी सी शर्त है, हंसी हंसी में मैंने एक बॉन्ड तैयार करवा लिया था, जब आप चाहें तो उस बॉन्ड को सिग्नेचर कर सकते हैं अगर आप अपने दोस्त को सच में धन देना चाहते हैं तो। बैसनियो उसकी चालाकी को समझ जाता है। बैसनियो कहता है कि जब इसके जैसा धूर्त आदमी इतना मीठा बोले तो मुझे लगता है इसके पीछे कोई चाल हो सकती है। एंटोनियो भी समझ जाता है पर एंटोनियो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ पर हो जाता है और वो कहता है कि मैं ये शर्त जो भी बॉन्ड में लिखा हो वो मानने को तैयार हूँ। बॉन्ड की शर्त को पता है तो बॉन्ड में लिखा हुआ था कि अगर 3 महीने में 3,000 ducats नहीं चुकाए गए तो शाइलॉक को पूरी आजादी होगी कि वो एंटोनियो के हृदय से 1 pound mass निकाल ले। ये एक तरीके का हत्या का षड्यंत्र था जो शाइलॉक ने रचा था। इसको पढ़ते ही बैसनियो गुस्सा हो जाता है, कहता है किस तरीके की शर्तें तुमने रखी हैं, तुम बनिया हो, तुम्हें धन चाहिए वो तुम ले सकते हो, ये इस शर्त के आधार पर तो तुम्हें किसी की जान लेने का अधिकार मिल जाएगा जो गलत है। वो कहता है तो मैंने ऐसी हसीन और आप दोनों की आपसी दोस्ती को परखने के लिए मैंने तो बॉन्ड बना दिया था, अगर एंटोनियो चाहे तो बॉन्ड से मना कर दें और आपको पैसे ना दे। एंटोनियो के लिए बात मान सम्मान की थी तो एंटोनियो तुरंत ही मान जाता और कहता कि 3 महीने में 3,000 ducats में 10 बार चुका सकता हूं, मेरे पास इतना धन है मेरे मित्र, तुम परेशान मत हो, और उस बॉन्ड पे सिग्नेचर कर देता है। इस ड्रामा में बॉन्ड को साइन करने की जो कहानी है इसी को बॉन्ड स्टोरी कहा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग बॉन्ड स्टोरी के आगे की घटनाओं को देखेंगे।